ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम। एंड ये वाली है ए स्लंबर डिड माय सेपरेट सील। इसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए स्लंबर डिड माय सेपरेट सील सेज द पोएट। पोएट कहता है कि एक ये वाला जो है पहली लाइन कहता है पोएट दैट इज ए डीप स्लीप। तो ये यहाँ पे डीप स्लीप को रेफर्स करता है, क्लोज्ड ऑफ हिज सोल और माइंड। उसका माइंड जो है क्लोज हो चुका है या उसका जो सोल है वो क्लोज है। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वन डेथ। पोएट के जब प्यारे की डेथ हुई है तो उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। डज ही फील बेटर ग्रीफ, क्या उसको जो है बहुत गहरा सदमा है इसकी वजह से। और डज ही फील ग्रेट पीस, या उसको जो है बहुत शांति मिल रही है अपने किसी के गुजर जाने की वजह से। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पोएट कहता है, ठीक है ना। ये डिफ़िकल्ट है यहाँ पे डिसाइड करना कि पोएट जो है बेटर यहाँ पे ग्रीफ है उसका, या वो मेंटल पीस यहाँ पे फील कर रहा है। वो यहाँ पे कहता है कि हिज सोल हैज़ बीन सील्ड ड्यू टू हिज लव्ड वंस डेथ। और यहाँ पे हम कहते हैं कि उसका जो माइंड है वो बंद हो चुका है कि उसके प्यारे की डेथ की वजह से। एंड दैट ही डज नॉट हैव एनी ह्यूमन फियर्स, अब उसको कोई इंसानी डर नहीं है। ही टॉक्स अबाउट हाउ हिज लव्ड वन सीम्ड नाउ। वो यहाँ पे बताता है कि उसका जो लव्ड वन है वो अब कैसा दिखता है, वो अब मोशनलेस दिखता है। बियॉन्ड द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है यहाँ पे दिख रहा है। देन इसी का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, The passing of the time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem says this? ये वाली जो लाइन है ये वाली कहता है she seemed think, ये वाली लाइन जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। देन है आपका how does the poet imagine her to be after death? Poet उसको डेथ के बाद कैसे इमेजिन करता है, पहले का पार्ट है। The poet imagines her to be immersed in the earth. Poet उसको इमेजिन करता है कि वो अर्थ के अंदर immersed है। Does he think of her as a person living in a very happy state or heaven? ठीक है ना। ही फील्स दैट शी हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आर्स डेली कोर्स एंड रोल्ड इन द रॉक स्टोन्स विद द रॉक स्टोन्स ट्रीज, ठीक है। और डज ही सी हर नाउ एज पार्ट ऑफ नेचर। इन विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू फाइंड योर आंसर। तो इसका जो हमारा जो आंसर है इन लाइन्स में हमें इसका आंसर मिलता है। इसके साथ ही हमारे पोएम के जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम ये जो आपकी पोएम है फेयर नो मोर जो है हमने डिस्कस की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वी विल बी मीटिंग अगेन।